अस्सलाम वालेकुम, अमार अहमद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन की करंट सिचुएशन के हवाले से, मार्केट की प्राइस के हवाले से, जो कि प्राइस का ग्राफ जो कि काफ़ी नीचे आया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से, जो कि बैरिया टाउन कराची में 125 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड, 500 और 1000 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। सबसे पहले अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड की बात करें, तो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो आज से 4 से 6 मंथ पहले जिनकी प्राइस काफ़ी हाई थी, जो कि हमें 50 लाख से कम प्राइस में नहीं मिलता था, कोई ऐसी डील आती थी जो कि अर्जेंट पेमेंट के ऊपर होती थी, वो हमें 40-45 की ब्रैकेट में मिल जाती थी, लेकिन इससे नीचे हमें प्लॉट नहीं मिलता था। तो आज वही प्लॉट हमें 40-35 की ब्रैकेट में मिल रहा है, यहाँ तक कि हमें 30-32 की ब्रैकेट में भी हमें वही प्लॉट मिल रहा है। अगर हम प्रेजेंट 23 की बात करें, प्रेजेंट 24 की बात करें, तो वहाँ हमें अभी जो प्लॉट है वो हमें 30-32 लाख में हमें पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ, यानी कि ऑन ग्राउंड प्लॉट हमें 30-32 लाख में मिल जाता है। तो अगर हम इसी तरह मेंजना के ऊपर जो प्रेजेंट आते हैं, प्रेजेंट 14, प्रेजेंट 15 और 15A, 15B और सामने इसके अली ब्लॉक आ जाता है, जो कि बहुत ही फेमस प्रेजेंट है। यहाँ इनके कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी ज़्यादा, इनके सब प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा जो घर बने हुए हैं जो प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाए हैं, वो अली ब्लॉक है। तो इन प्रेजेंट में भी प्राइस ब्रैकेट, यानी कि प्राइस काफ़ी कम हुई हुई है। यानी कि प्रेजेंट 15 में अगर हम बात करें, जो आज से पहले 60-65 लाख में प्लॉट मिलता था, आज वही प्लॉट हमें 50 के राउंड अबाउट मिल जाते हैं। और इसी तरह 15A है, 15B है, तो यहाँ हमें जो प्लॉट हमें 50-55 की ब्रैकेट में मिलता था, तो आज हमें वही प्लॉट तकरीबन जो है वो 40-42 लाख में मिल जाता है। तो यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी मार्केट डाउन हो रही है, हमें प्लॉट परचेज नहीं करना चाहिए अभी, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी बहुत अच्छा टाइम है प्लॉट परचेज करने का, क्योंकि अभी प्राइस ब्रैकेट लो है, तो अभी हमें प्लॉट परचेज़ करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट तेज़ होती है, प्राइस ज़्यादा होती है, तो लोग उस टाइम पे कहते हैं कि हमने अब प्लॉट परचेज़ करना है, लेकिन उस टाइम पे उनको काफ़ी महंगे प्लॉट मिलते हैं। मैं उन कस्टमर के लिए ये कहूँगा जो लोग बैरिया टाउन कराची में अपना प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं और उनका बजट बहुत कम है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है प्लॉट परचेज़ करने का, क्योंकि अभी प्राइस ब्रैकेट काफ़ी लो है। तो वो जो अपना बैरिया टाउन कराची में अपना घर बनाना चाहते हैं प्लॉट परचेज़ करके, उनके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि अभी अपना प्लॉट परचेज़ करें, तो उसके बाद जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके अपना घर बनाना चाहें घर बना सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग अपना यानी कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से यहाँ प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे थे, लेकिन उनके बजट में उनको प्लॉट नहीं मिलता था कम बजट में, लेकिन मैं उनको भी कहूँगा कि ये एक अच्छा टाइम है अभी अपना प्लॉट परचेज़ करके, जो कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 6 से 6 मंथ या 1 साल या 1.5 साल के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि प्राइस प्लॉट की प्राइस जो है वो काफ़ी कम हुई हुई है। तो अभी अपना प्लॉट परचेज़ करें, 6 मंथ 1 साल जब मार्केट बेहतर होगी, तो आप अपना प्लॉट सेल आउट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और उन कस्टमर के लिए जो कहते हैं कि अभी मार्केट जो अपना प्लॉट परचेज़ अपना सेल आउट करना चाह रहे हैं, मैं उन कस्टमर को कहूँगा कि अभी प्लॉट सेल आउट करने का टाइम नहीं है, अभी यानी कि परचेजिंग का टाइम है, क्योंकि प्लॉट सस्ते हैं, मार्केट बेहतर होगी। अगर आप यहाँ से ये कहते हैं कि मज़ीद रेट नीचे जाएं, अभी मज़ीद नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अपना प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं उनको वेट करना चाहिए, और जो परचेज़ करना चाहते हैं उनको अभी जो है वो परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइस लो है, तो इंशाल्लाह यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट के लिए या प्लॉट्स की अपना रेट्स, अपने प्लॉट्स का रेट मालूम करने के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफिज़।